अगर आपको शुगर है या शुगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ 5 फूड्स जिन्हें अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो ना सिर्फ आपकी बढ़ी हुई शुगर कंट्रोल में आएगी बल्कि डायबिटीज़ से भी आपको जड़ से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, एक बार एक गुरु जो कि बहुत ही बड़े वेद थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि गुरुजी आपको प्रणाम, मैं गुरुजी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम अपनी शुगर को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद वो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, अगर हम ये समझ लें कि डायबिटीज़ है क्या, क्यों होती है, तो यकीन मानिए आपकी ब्लड शुगर पहले हफ्ते में ही नीचे आ जाएगी और 2-3 हफ्ते में तो आप इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक भी सकते हैं। देखो बेटा, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, लेकिन इस ग्लूकोज से हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके इसके लिए ज़रूरी है कि ग्लूकोज सेल में एंटर हो, और ग्लूकोज को सेल में पहुंचाने का काम करती है हमारी बॉडी का एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, जिसे पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है। आप ऐसे समझो कि जैसे किसी दरवाजे को खोलने के लिए ताले की चाबी लगानी पड़ती है, उसी तरह से सेल के दरवाजे की चाबी है इंसुलिन के पास। इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को हर सेल में पहुँचाता है, जहाँ इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज होना तो ज़रूरी है, लेकिन कितना होना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी गिवन टाइम पे 100 मिलीग्राम पर डेसी ब्लड शुगर होनी चाहिए। ये ब्लड शुगर 100 से 200 तक चली जाए तो बॉडी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूँगी, लेकिन अगर ये रीडिंग 200 से 300 पार पहुँच जाए तो बॉडी फिर उसे हैंडल नहीं कर पाती है और फिर डॉक्टर कह देते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। लेकिन क्यों हैंडल नहीं कर पाती है, क्या दिक्कत है बॉडी को? देखो, ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए तो उसे सेल में पहुंचाने के लिए पैनक्रियास को और इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद सेल ग्लूकोज में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इंसुलिन के सिग्नल को भी इग्नोर करने लगते हैं। आप ऐसे सोचो कि कोई एक बस है जो पहले ही यात्रियों से खचाखच भरी हुई है, अब कोई आके उसमें और लोगों को भरने की कोशिश करे तो क्या होगा? अंदर जो लोग हैं वो इस चीज़ को रोकेंगे। बस यही सेल के साथ हो रहा है। इंसुलिन कोशिश करता है कि ग्लूकोज सेल में चला जाए, लेकिन सेल तो पहले से ही ग्लूकोजों से भरा पड़ा है, तो हो क्या रहा है कि इस टाइम पे सेल्स में ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा हैं, ब्लड में भी ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा हैं, जिस वजह से ब्लड गाढ़ा होने लगता है। अब ब्लड गाढ़ा होगा तो बहुत ही छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल में फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे पानी में बहुत ज़्यादा कचरा मिट्टी हो जाता है तो वो पाइप से रुक रुक के बाहर निकलता है, इसी तरह से ब्लड भी जब हाई ग्लूकोज से गाढ़ा हो जाता है तो ठीक से फ्लो नहीं कर पाता है, और ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा तो आर्गन्स तक ब्लड ठीक से पहुंचेगा ही नहीं। अब ब्लड नहीं पहुंचा तो आर्गन में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, और यही नहीं ग्लूकोज चिपकता भी है, तो ये गाढ़ा ब्लड हमारे अलग अलग अंगों की नाड़ियों में जाकर चिपक जाता है, फिर इससे इन्फ्लेमेशन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज़ बीमारियों की जड़ है। तो सोल्यूशन क्या है? अगर हम सेल्स में एक्सेस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर दें, ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लें, तो सेल्स इंसुलिन की सुनने लगेगा और बॉडी नॉर्मल चलने लगेगी। लेकिन हम करते क्या हैं? एंटी डायबिटिक गोली तो खाते हैं, लेकिन खाना ऐसा खाते हैं जो कि ब्लड में फटाफट से ग्लूकोज लेकर आए। जैसे कि आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा सेवन करते हैं, उसकी एक बोतल में 8 से 10 चम्मच शुगर की होती है। मिठाइयाँ, मैदा, चिप्स, ये सभी उसी टाइम ब्लड में ग्लूकोज का फ्लो लेकर आती है, और फिर बॉडी किसी तरह से इस ग्लूकोज को कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, फैट में कन्वर्ट करती है। इसीलिए बेटा, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये एक डायट्री डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ एक नतीजा है हमारे गलत खानपान का, और ये कुछ ही महीनों में ठीक भी हो जाती है। अगर हम अपना खानपान सुधार लें तो ये ठीक भी हो सकती है। अगर हम ऐसी चीज़ें खाएँ जो ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करे, तो कुछ ही टाइम में ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा और हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। बेटा, ये कोई आयुर्वेदिक क्लेम नहीं है, बल्कि लेटेस्ट मॉडर्न रिसर्च भी यही कहती है और यही मानती है। और अगर आपको लगता है कि हमारी फैमिली में तो डायबिटीज़ जेनेटिक है, तो ये बात जानकर आपको शायद खुशी होगी कि जीन्स का रोल जो होता है वो 10 से 15% ही होता है। स्टडी ये तक कहती है कि गलत खानपान से जीन्स ट्रिगर होते हैं। मतलब ये है कि अगर आप खानपान सही कर लेते हैं तो जीन्स भी अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। तो बेटा, क्या खाएं? ये 7 चीज़ें आपको खानी है। अगर कोई भी इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर लेता है तो उसकी डायबिटीज़ जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, सही हो जाती है।
इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि सबसे पहला चीज जो है वो है सलाद। आप प्री डायबिटिक हैं या फिर डायबिटिक हैं तो भी आपको लंच में और डिनर शुरू करने से पहले एक प्लेट भर के सलाद जरूर खाने चाहिए। स्टडीज में पाया गया है कि खाना खाने से पहले सलाद लें तो ब्लड में शुगर का स्पाइक जो है वो 47% तक रिड्यूस हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। पहला तो ये है कि कच्ची सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड के मुकाबले सबसे कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा तो ब्लड शुगर एकदम से रिलीज नहीं होगी और यही तो हमें चाहिए। दूसरा, खाना खाने से पहले अगर हम सलाद खाएंगे तो भूख जल्दी मिट जाएगी और लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। डायबिटीज़ में खासकर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, इसीलिए पहले सलाद खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लंच में आप खीरा, ककड़ी, गाजर, पत्ता गोभी वगैरह अच्छे से नींबू, नमक, मिर्ची लगाकर खा सकते हैं। अगर आपको कच्चा सलाद पसंद नहीं है तो सब्जियों को स्टीम कर ले या फिर थोड़ा बहुत आप इसे भून भी सकते हैं, पका भी सकते हैं। लेकिन खाना बहुत ही ज़रूरी है। पहले अच्छे से एक प्लेट सलाद खाएं और उसके बाद आप अच्छे से खाना खाएं। डिनर से पहले मैं आपको सुझाव करूंगा कि एक प्याज का सलाद खाएं। दोस्तों, कच्चा लाल प्याज डायबिटीज़ के लिए औषधि से कम नहीं है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कुछ ही घंटों में ब्लड शुगर को कम कर देते हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें 84 डायबिटीज़ पेशेंट को खाने से पहले 100 ग्राम प्याज का सलाद दिया गया और 4 घंटे में ही उनका ब्लड शुगर जो होता है वो 40 पॉइंट तक नीचे आ गया। इसीलिए डिनर से पहले आप प्याज का सलाद ज़रूर खाएं। लंच से पहले सब्जियों का सलाद और डिनर से पहले प्याज का सलाद, वैरायटी भी अच्छी हो जाएगी और आपकी ब्लड शुगर जो है वो भी कम हो जाएगी। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए दूसरी चीज़ है करेला। देखो बेटा, करेला एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है और करेले के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा करेले के ऊपर कई स्टडीज भी हो चुकी है जिसमें ये पता चलता है कि करेला आपके पैनक्रियाज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पैनक्रियाज यानी वो अंग जहां इंसुलिन बनता है, तो ये करेला आपके पैनक्रियाज को प्रोटेक्ट करके आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। करेले को आप सब्जी बनाकर तो खाते ही हैं, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और अच्छे खासे रिजल्ट पाना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक गिलास इसका जूस रोज़ाना फ्रेश पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इसके जूस का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसका चूर्ण बनाकर भी खा सकते हैं। आप करेले को लेकर उसको सुखा सकते हैं और उसका पाउडर बनाकर सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसको पानी के साथ पी सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि अगली चीज़ जो आपको डायबिटीज़ में ज़रूर खानी चाहिए वो है जौ। बेटा, अक्सर हम अनाज में गेहूं तो खाते ही हैं या फिर चावल खाते हैं, और चावल में भी हम सफ़ेद चावल खाते हैं जो कि ब्लड शुगर को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है। दूसरी ओर गेहूं जो है वो एक हाईली इंडस्ट्रियल क्रॉप बन गया है। 1960 में हरित क्रांति के दौरान इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए इसके बीजों को हाइब्रिड करा गया। यह गेहूं आज ग्लूटेन एलर्जी का कारण बन गया है, डायबिटीज़ में ये नुकसान करता है। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे अनाज हैं जैसे कि जो, ओट्स, मिलेट्स, जो हमारे देश के मूल अनाज है, लेकिन आज हम इन्हें खाना छोड़ चुके हैं। इसमें से जो एक डायबिटीज़ के लिए दवाई है। एक स्टडी हुई जिसमें कुछ लोगों को ओट्स खिलाए गए और कुछ लोगों को बर्ले यानी कि जो। ओट्स खाने वालों की ब्लड शुगर 36% तक कम हो गई, जबकि जो खाने वाले लोगों की ब्लड शुगर जो है वो 65% तक कम हो गई। वो इसीलिए क्योंकि जो का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो सभी अनाजों में सबसे कम माना जाता है। वहीं गेहूं और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। आप कुछ दिन गेहूं की रोटी की जगह जो की रोटी खा के देखो, फ़र्क आपको पता चल जाएगा। अगर आप चावल खाते हैं तो इसकी जगह मिलेट्स ट्राई करो। मिलेट्स में फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है। मिलेट्स को 6 घंटे से 8 घंटे तक भिगोकर पकाओ तो चावल का ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। आप इनसे चावल की तरह ही पुलाव, बिरयानी या खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हैं। 1 महीना गेहूं और चावल छोड़कर आप जो और मिलेट्स, ओट, रागी या फिर ज्वार पर आ जाओ। बेटा, आगे बात करते हैं फ्रूट्स की। डायबिटीज़ में अक्सर लोगों को ये डाउट रहता है कि फ्रूट खाएं या नहीं। बिल्कुल, इसको खा सकते हैं और दोस्तों आपको खाने भी चाहिए। बेटा, फ्रूट में एक तो नेचुरल शुगर होता है और दूसरा होता है फ्रुक्टोज, जो कि लीवर में इजीली मेटाबोलाइज, हेड्स भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करते हैं। आप एक टाइम पर कोई भी सीजन का फ्रूट खाओ, जामुन, सेब, संतरा,
पाइनएप्पल, अंगूर आदि, ये सब अच्छे ऑप्शन हैं। जामुन और जामुन की गुठली, ये तो आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा फायदेमंद है डायबिटीज़ में। बाकी कोशिश करो कि जो मीठे फल हैं जैसे केला, आम, खजूर, तरबूज, चीकू आप खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी इनकी कम रखो। डायबिटीज़ में कोशिश करनी चाहिए कि फ्रूट जूस को अवॉइड करके साबुत फ्रूटी खाएं। इसका कारण है फाइबर। आप ये समझे कि जितना ज़्यादा आप फाइबर वाला खाना खाएंगे उतना ही ब्लड शुगर कम होगा। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रूट जूस आप पी नहीं सकते। मिठाइयाँ, मैदा, केक, पेस्ट्रीज, इन चीज़ों में रिफाइंड चीनी होती है, उसे बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है। डायबिटीज़ में बेस्ट रहेगा कि आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाएं, उसके बाद भी अगर आपको भूख लगे तो आप दलिया या फिर ओट्स खा सकते हैं। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि अगली चीज़ है पपकिन, यानी कि कद्दू। बेटा कद्दू को बहुत सारे लोग सीताफल भी कहते हैं। ये एक ऐसी सब्जी है जो आपको करीब करीब सारे साल आराम से मिल जाती है और इसकी आप सब्जी बनाकर आराम से खा सकते हैं। आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये कद्दू बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बेटा बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसको ऐसी दवाई में भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्पेसिफिक आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है। बहुत सारी स्टडी भी हो चुकी है कद्दू के ऊपर, जिसमें ये बात साफ हो चुकी है कि इसके अंदर पाए जाने वाला फाइबर जो होता है और जो कंपाउंड होते हैं वो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि अगली चीज़ जो आपको ज़रूर खानी चाहिए वो है हेल्दी फैट्स। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप सब्जी में ऊपर से एक चम्मच घी डाल देंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, अलसी, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, नारियल, ये सभी बहुत ही हेल्दी फैट्स हैं। जो आपको शाम को 5 बजे भूख लगे तो कोई ऐसी चीज़ खाए जिसमें फैट ज़्यादा हो, हेल्दी फैट ज़्यादा हो, जैसे नारियल की गिरी, भीगे हुए ड्राई फ्रूट या फिर भुनी हुई मूंगफली। तेलों में भी रिफाइंड तेल की जगह कच्ची घानी तेल का इस्तेमाल करें। देखो बेटा, रिफाइंड तेल पेनक्रियाज ऑर्गन को डैमेज करते हैं। पेनक्रियाज ही खराब हो जाएंगे तो इंसुलिन बनेगा कैसे? इसीलिए आपको कच्ची घानी का तेल इस्तेमाल करना है। फिर चाहे आप सरसों का तेल ले, अलसी का तेल ले, या तिल का तेल ले, नारियल का तेल ले, या फिर मूंगफली का तेल भी आप ले सकते हैं। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि आपको साबुत दालें भी खानी चाहिए। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए धुली दालों की जगह साबुत दालें खानी चाहिए। कारण बिल्कुल सिंपल सा है। धुली दालों के मुकाबले साबुत दालों में एक तो फाइबर ज़्यादा होता है, प्रोटीन खूब होता है, और इस वजह से ये ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ाती नहीं है। जैसे पीली मूंग की जगह आप हरी मूंग खाओ, इसी तरह काला चना, सफ़ेद चना, राजमा, लोबिया, ये सब आपकी रेगुलर डाइट में होने ही चाहिए। बेटा ये बहुत ही हैवी होते हैं, तो आप इनमें ऐसा करें कि आप इन्हें लंच में खा लें। साबुत दालें जैसे मूंग दाल, चना दाल आप डिनर में खा सकते हैं। डायबिटीज़ में काला चना जो होता है वो तो सबसे बढ़िया होता है, और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए चने का सत्तू भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है गर्मियों के लिए। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा अगर बात करें आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, तो देखो बेटा सुबह ब्रेकफास्ट में हो सके तो सिर्फ आपको फ्रूट ही खाना है, नहीं तो साथ में आप ओट्स भी ले सकते हैं। फिर लंच शुरू करने से पहले आपको सलाद खाना है, उसके बाद जो कि रोटी या फिर मिलेट्स के साथ काले चने या कोई हरी सब्जी आप ले सकते हैं। शाम को भूख लगे तो भीगे हुए ड्राई फ्रूट, चना सत्तू, भुने हुए चने या फिर सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। शाम को डिनर से पहले प्याज का सलाद खाएं, फिर साबुत दाल के साथ जो कि रोटी या फिर मिलेट्स खा लें। बस आपको इतना ही करना है, और अगर आपने ऐसा एक हफ्ते भी कर लिया तो आपकी ब्लड शुगर जो है वो पक्का नीचे आ जाएगी। अगर आप ऐसा 2 से 3 महीने कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी जो ब्लड शुगर है वो जड़ से उखाड़ फेंक पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। धन्यवाद।